अयोध्या विवादित के संभावित फैसले को लेकर जनपद में धारा 144 लगा दी गई है। जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपद में 10 दिसंबर तक धारा 144 जारी की है। निषेधाज्ञा के तहत अब कोई भी राजनीतिक पार्टी व संगठन धरना प्रदर्शन में जुलूस नहीं निकाल पाएगा। यही नहीं, आने वाले त्योहार चेहल्लुम, कार्तिक मेला, दीपोत्सव को लेकर भी निषेधाज्ञा जारी किया गया है। अयोध्या की सुरक्षा के लिए जनपद में प्रथम चरण में 263 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जहां पर सुरक्षा बलों को ठहराया जाएगा। हालांकि अभी जनपद में सुरक्षा बलों की दस्तक नहीं हुई है, लेकिन कवायद शुरू हो गई है। तो संबंधित पक्ष को माननीय न्यायालय में ही उसके अनुदोष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसी से उसका समाधान उनको प्राप्त हो सकता है। इस स्तर से उसका कोई समाधान नहीं है सर। 17 अक्टूबर को सर ये सुनवाई पूरी हो रही है, ऐसे में अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह है और धारा 144 कब तक लगाई गई है अयोध्या में? जो सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाएं हैं और आगे अभी परिक्रमा भी होनी है, उसके विषय में जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 आदि के आदेश जारी किए हैं। वो परिस्थितिजन्य होते हैं और उनमें यथासमय परिवर्तित भी होते रहते हैं। उसके संबंध में जब पृथक से सुरक्षा की हम बैठक करेंगे तो उस समय आपको हम जानकारी देंगे। अभी वो पाइपलाइन में है चीज़ें, तो जो व्यवस्थाएं होंगी वहाँ वो आपको खुद पता चल जाएंगी।